नमस्कार दोस्तों जय श्री राम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में अब आपकी किस्मत का ढोल बजने वाला है और दोस्तों आपका जो फल है वह आपको मिलने वाला है आपकी किस्मत देखने के बाद आपके अड़ोसी पड़ोसी पूरी तरह से जलने वाले हैं क्योंकि आने वाले अगले तीन दिनों में कुछ बड़ी खुशखबरी ही ऐसी है कि जहाँ पर खुशियों की बहुत चार काफ़ी तेजी से बनने वाली है जी हाँ दोस्तों चाहे वह आपकी करियर की बात हो या फिर आपके कारोबार में उन्नति की बात हो दोस्तों कुछ ऐसी ही खास जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं और इसी के साथ ही दोस्तों धन संबंधी मामलों में भी आपका समय कैसे रहने वाला है प्रेम जीवन में बेरोजगार लोगों के जीवन में इस समय क्या खास रह सकता है इसी के साथ ही साथ बिजनेस करने वाले जातकों के जीवन में विद्यार्थियों के साथ में माता पिता के साथ में संबंध और पड़ोस के लोगों के साथ में संबंध किस प्रकार से रहने वाले हैं क्योंकि दोस्तों आपको विशेष सावधानियाँ रखनी होगी दोस्तों गलती करने से बचना होगा सावधान होना होगा और दोस्तों आप सभी के ऊपर कई सारी जानकारी आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो भी भगवान श्री राम व माँ दुर्गा के सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें ताकि अपने सच्चे मन के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और जय माँ दुर्गी के जयकारे अवश्य से लगाएं ताकि उनके आशीर्वाद से आपके जीवन की हर समस्या का समाधान मिले समस्या समाप्त होगी व माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपके घर परिवार में खुशियाँ बनी रहेंगी तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि आप लोगों को पिछले समय में कौन सी सावधानी रखनी है और कौन कौन से कार्य आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं दोस्तों जीवन पूरी तरह से धन्य हो जाएगा और आप आने वाले समय में यही आपकी लीला अपरम्पार रहने वाली है दोस्तों आप सभी को बता दें कि संकट के बारे में अब जान लेते हैं अगर यदि आप दो दिनों के अंदर ही अंदर दोस्तों ये नज़र आने वाली हैं जो चीज़ें उसके बारे में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है ये आपके लिए ख़ास रहेगा कभी कभार आपके अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा होता है कि आप खुद पर ही कंट्रोल नहीं कर पाते हैं इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसे लोगों से सावधान रहें जो आपका बुरा करने के बारे में सोचते हैं तभी आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी जो आज हम आपको बताएंगे कि अगले इन तीन दिनों के अंदर आप सभी की कुंडली में आज की राशि में बड़े ही महापुरुष योग बन रहे हैं आप सभी को बता दें कि आपके घरों में पंचकर एक साथ होने वाली है अर्थात दोस्तों आप सभी को बता दें बृहस्पति शुक्र बुध, और शनि और मंगल आपकी राशि में एक साथ में अब आने वाले हैं दोस्तों पड़ोसियों के कारण आप सभी के घर में आप सभी का जो भाव का घर है उसको दोस्तों आप लोगों के जीवन में होने वाला है दोस्तों इसी समय आपके जीवन में नए और परिवर्तन होंगे आपकी सभी की कुंडली पे एक नए परिवर्तन होंगे ध्यान थोड़ा रखना होगा ये आपके लिए बेहतर रहेगा तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे हुए बात करते हैं आपके राशि के महाराशि फल के बारे में याद रखें कि आप लोगों को अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है नेगेटिव नहीं सोचना है वरना ये आपके लिए बहुत घाटे का सौदा रह सकता है दोस्तों आपका जो ये समय है वह आप लोगों के लिए विशेष लाभप्रद रहने वाला है इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें व्यापार करने वाले जातकों का ये समय बड़ा ही शुभ साबित होने वाला है क्योंकि दोस्तों आपको बता दें आपके व्यापार के दृष्टिकोण से आपका भाग्य पूरा तरीके से बदलेगा जिसके चलते व्यापार में दोस्तों आप लोगों का खुशियों में एक नया कमल खिलने वाला है इसके साथ ही साथ आप लोगों को आपके व्यापार से जुड़ा हुआ कोई दोस्तों दाम्पत्य जीवन में बड़े लाभ हो सकते हैं जो आप लोगों के जीवन में आर्थिक स्थिति को काफी मजबूत करने का काम करेगा इस दौरान दोस्तों आप लोगों को पैसे की थोड़ी आवश्यकता पड़ सकती है लेकिन आपकी जरूरत अवश्य से पूरी होगी आप लोगों को पैसे से जुड़ी हुई समस्याएं यदि हैं तो वो अब नहीं झेलना पड़ेंगी इस समय दोस्तों आपके घर और परिवार में किसी खास वजह से मांगलिक कार्यक्रम पूरे हो सकते हैं दोस्तों आपके घर में पूजा पाठ धार्मिक कीर्तन का आयोजन हो सकता है दोस्तों जिसमें आप लोगों को घर परिवार में कई सारे मेहमानों को आप लोग दोस्तों चला सकती हैं इसके साथ ही साथ आपके घर परिवार के माहौल में खुशियों का माहौल बनेगा व्यस्त साथ से भरा हुआ थोड़ा समय भी रहने वाला है इस समय आप लोगों को किसी यात्रा पर जाने के अब लाभ मिलेंगे दोस्तों इसके साथ ही साथ बता दें छोटी या फिर लंबी दूरी की यात्रा भी हो सकती है जहाँ पर आप अपने परिवार वालों के साथ में या फिर किसी रिश्तेदारों के साथ में या फिर आप अपने मित्र के साथ में जा सकते हैं दोस्तों आपके संतान पक्ष की तरफ से आपको लाभ मिलेगा आपका संतान आपके नाम को रोशन करने का कार्य करेगा जिसके चलते आपके संतान की तारीफें आपसे लोग आकर कर सकते हैं इस समय में आपके विरोधियों से आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा ये आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है तो आप बहुत ही ज़्यादा भोले और बहुत ही ज़्यादा भावुक हैं दोस्तों और वह इंसान आप लोगों के साथ ही रहकर आपको बर्बाद करने के बारे में सोच रहा है आपको भनक नहीं पड़ रही है तो थोड़ा ज़रा ऐसे लोगों से भी आप लोगों को बचकर रहने की आवश्यकता है ये आप लोगों के लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों दूसरों की नज़रों से बचकर यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसे शांतिपूर्वक करें नहीं तो पकड़े जाने के संदेश आ रहे हैं जो एक बड़ी दुर्घटना का सामना हो सकता है जिससे दोस्तों आप लोगों का और आपके जीवन में आप लोग का बुरा हाल भी हो सकता है इसके साथ ही साथ दोस्तों कुछ चीजों का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है निश्चित रूप से बता दें कि आयु लंबी होगी यदि किसी व्यक्ति पर दोस्तों वास्तविक शंकरों की कृपा हो सदगुरु की दोस्तों कृपा होने से भी ग्रह और नक्षत्रों का प्रभाव आपके ऊपर सकारात्मक पड़ने वाला है इसके साथ ही साथ दोस्तों कुछ बातों को आपको गार्ड बांध कर रख लेनी है याद रखें दोस्तों ऐसे लोगों से नज़दीकियां ज्यादा ना बढ़ाएं जो आप लोगों से धोखा देने के बारे में सोचते रहते हैं याद रखें आप तो अपनी तरफ से सब सही करेंगे लेकिन ये व्यक्ति आपकी चीज़ों में गलतियाँ निकाल ही लेगा इसके साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें ये समय आपके लिए जो रहने वाला है खेल के मेहमानों का दोस्तों आप लोग के दिन में स्वागत हो सकता है ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा सारा तनाव आप लोग का धुल जाएगा और आप ज़बरदस्त तरीके से ऊर्जावान और तरोताज़ा महसूस करने वाले हैं दोस्तों इसमें आप आशा का भी संचार होगा और दोस्तों आप लोगों में काम करने की ओर जाएगी जी हाँ दोस्तों आपको बता दें और दोष आपके अन्य लोग भी दोस्तों काफी, काफी प्रभावित रहने वाला है और दोस्तों इसके साथ ही साथ आप लोग के जीवन में आ रहे कार्यक्रम या फिर पिकनिक पर भी आप लोग जा सकते हैं इसके साथ ही साथ आप लोगों के लिए जो समय रहेगा जटिलताओं तरीके से दोस्तों आपका प्रेम का सिक्का लोगों पर चल सकता है आपके कार्य को सकारात्मक रूप मिलने वाला है इसलिए यदि आप कार्य करते करते थक गए हैं अब आप पूरी तरह से निराश हो चुके हैं लेकिन अब आप लोगों को ज़्यादा संभल कर रहने की आवश्यकता रहने वाली है दोस्तों ये आप लोगों के लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों कार्य क्षेत्र में भी कुछ नए और बड़े बदलाव आपका इंतज़ार कर रहे हैं इसके साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को ये भी बताना चाहूँगी चल रहे कार्यों पर आपको विशेष रूप से प्रेरणादायक ध्यान देने की आवश्यकता है नहीं तो आपका काम बीच में रुक सकता है अपने कार्यों का अपने ऊपर ही ध्यान दें दूसरे के ऊपर ज़्यादा निर्भर ना रहें, वर ये रहे आपके लिए बहुत ही घातक रह सकता है दोस्तों आपको अपने गुस्से पर भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता है क्योंकि आ विवेक आपको कुछ भी दोस्तों सुभ फल नहीं देगा आपको आपके साथी के प्यार और दोस्तों समय को पहचानने की भी आवश्यकता रहने वाली है जो कि तनाव में चलते कहीं भी दबसा गया है दोस्तों अपने आत्मसम्मान और अपने साथी के लिए आप अपने प्रतिबलताओं के बीच में अच्छे संतुलन बनाए रखना आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके साथ ही साथ आप लोगों के लिए जो समय रहने वाला है दिनचर्या के लिए जो समय रहने वाला है आज का दिन सट्टा उद्योगों के लिए दोस्तों प्रक है दोस्तों बिना सोचे समझे आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना होगा दोस्तों यदि आप बिना गणना करके जोखे मिलेंगे तो परंतु दोस्तों आप इस बात का ध्यान रखें आप लोगों को जाने पहचाने में आप लोगों को कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जो आने वाले समय में लाभ दे सकता है इसके साथ ही साथ आपके लिए जो समय होगा आपके दिनचर्या के लिए जो समय होगा देखिए दोस्तों आज आप लोगों को हर किसी पर विश्वास करने के मूड में रह सकते हैं इसके साथ ही साथ दोस्तों इसका नुकसान नुकसान ये है कि आप किसी ऐसे आदमी के साथ अपनी गुप्त बातें अपनी जो है पर्सनल बातें साझा कर सकते हैं जो भी दोस्तों दिल से आपका भला नहीं चाहता है सितारे ये बात कहते हैं कि आज आप धोखा खा सकते हैं इसलिए दोस्तों पहले इन आदमियों के बारे में सही से छानबीन कर लेना है आप पिछले कुछ समय से कार्यस्थल पर घर पर किसी बात से आप असहमत हैं तो दोस्तों आप दोस्ती का भी हाथ बटाने के लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है इसके साथ ही साथ आपके लिए जो समय होगा आप पिछले कुछ समय से अपने स्वास्थ्य के मामले में काफ़ी सशक्त दिनचर्या का सामना कर रहे हैं आप लोगों को अब इसका लाभ मिलना शुरू होने वाला है यदि आपने अपने खान पान में कुछ परिवर्तन किया है तो दोस्तों आपको इसके कारण अपने स्वास्थ्य में विशेष सुधार दिखाई देना प्रारंभ हो जाएगा इसके साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को ये भी बता दें नए कार्यों की तरफ आपका ध्यान जो केंद्रित हुआ है वे आप लोगों को जल्द ही लाभ पहुँचाने वाला है